बार की चर्चा, फिर वही अमेंडमेंट्स कर देते हैं, फिर वही दूसरी बातें जो किसान पिछली 5 मीटिंगों में रिजेक्ट कर चुका है कि उसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार बार बार प्रपोजल भेज रही है, अमेंडमेंट्स के लिए बात कर रही है, दबाव बना रही है, लेकिन कल भी हमारे किसान जो अमित शाह से मिलने गए थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप हमें हाँ ना में बताइए। उन्होंने कहा कि कल एक नया प्रपोजल भेजेंगे। आज हमारे पास जब नया प्रपोजल आया तो उसमें भी वही बातें थी कि अमेंडमेंट्स कर देते हैं। तो आज सामूहिक जत्थे हाथ उठा के पूरी तरह से उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, आज किसान एकजुट एक सुर होकर उन्होंने कहा है कि हम तब तक बातचीत के लिए नहीं आएंगे जब तक आप हमें लिखित में ये नहीं भेजते कि हम आपके काले कानून वापस ले नहीं। लेकिन ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं किसान जथेबंदियों ने मीटिंग में एक सुर एकजुट होकर कहा है कि अब हम बातचीत के रास्ते हमने जो खोल रखे थे, पिछले 6 बार की चर्चाएं हैं, पिछले 13 दिन हो गए आंदोलन में, खंड में आप लोगों ने बातचीत के रास्ते बंद, हमने कहा है कि हमें बार बार चाय पे चर्चा नहीं चाहिए। वो बार बार जाते हैं, चाय पे चर्चा होती है और वापस आ जाते हैं, वो अमेंडमेंट्स पे अड़े हुए हैं। और लेकिन इस बार 70 सालों के बाद किसान जीत पे अड़ा हुआ है कि उसे काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। इस अहंकार बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से